दाई माँ, ये इतनी तकलीफ पे क्यों है? प्रसव का समय निकट है, खतरा बहुत ज्यादा है। ऐसे में बच्चे को निकालना बहुत मुश्किल होगा। साई कुछ कर क्यों नहीं रहे? क्योंकि वो साधारण इंसान है, वहां शिरडी में बैठे बैठे उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि मैना इस हाल में है, तो कैसे करेंगे मदद? बाबा, हमें मैना को पास के किसी बड़े शहर ले जाना होगा। लेकिन इस हाल में इसे कहीं लेके जाना खतरे से खाली नहीं होगा। और मीलों दूर बैठे साई के भरोसे इसकी जान खतरे में डालना, ये ठीक होगा? अगर मैना और हमारे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगा बाबा। मैं तुम्हारा दुख समझ रहा हूं बेटा, पर मैं साई को भी जानता हूं। मेरा कोई दुख छुपा नहीं है साई से। साई भले ही शिरडी में है, लेकिन मैना की हर आ उन तक पहुंच रही होगी। लेकिन वहां से मदद कैसे कर पाएंगे वो? कब आएंगे साई? कब तक मेरी मैना को ऐसे ही तड़पना होगा? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और कितनी दूर है? बस थोड़ी देर और। जितना तेज हो सके चलाइए, मुझे जल्द से जल्द साईं की उदी वहां पहुंचानी है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अध्यापक जी, सुमति तुम यहां? अशोक भी आया है। जो हुआ वो बहुत दुखद है, और फिर अशोक तो मेरा सबसे होनहार छात्र है। मुझे बहुत उम्मीदें हैं उससे। चौथी की छात्रवृत्ति की परीक्षा देना उसके लिए बहुत जरूरी है। मैं जानती हूँ, इसलिए तो आपसे पूछ रही हूँ कि इसका अब हम क्या हल निकाल सकते हैं। उसे सारा दिन काम कराया जाता है, एक पल के लिए भी उसे बाहर नहीं जाने देते। मेरे बस में होता तो रात में मैं तुम्हारे घर आकर उसे पढ़ा देता, लेकिन सरकार मुझसे नफरत करते हैं। वो मुझे अपने घर के आसपास भी भटकने नहीं देंगे, और फिर तुम लोगों के लिए परेशानियां और भी बढ़ जाएंगी। कोई तो तरीका होगा। तरीका अगर मिल भी गया तो भी देखो ना समय कहाँ है। दो दिन की पढ़ाई उसकी वैसे ही छूट चुकी है, और अगर कोई जल्दी रास्ता निकाला नहीं गया तो वो बहुत पीछे रह जाएगा। कम से कम हम ये काम तो कर सकते हैं, अशोक अपने घर में किताबें तो पढ़ सकता है ना, वो बुद्धिमान है, काफी कुछ तो वो खुद ही सीख जाएगा। बाकी का रास्ता हम ढूंढ लेंगे। लेकिन अशोक की सारी किताबें सरकार पहले ही ले चुके, अब वो पढ़ेगा कैसे? उसके पास किताबें नहीं है फिर कैसे होगा? नहीं, मैं कल ही उसके लिए नई किताबें लेकर आऊंगा, तुम उसे दे देना। लेकिन अगर कुलकर्णी सरकार को पता चल गया
कि आप हमारी मदद कर रहे, तो उन्होंने सालों पहले माधव काका को अध्यापक के पद से हटा दिया था, कहीं वो आपके साथ भी ऐसा ना करते। यहाँ के बच्चों को आपकी जरूरत है, और फिर अगर उन्हें किताबों के बारे में पता चल गया तो वो भी छीन लेंगे। अगर मैं उसे नहीं पढ़ा पाया और अशोक खुद से भी किताबें नहीं पढ़ सका तो वो इस साल परीक्षा नहीं दे पाएगा। लड़ने से पहले ही हार मान लेना अच्छी बात नहीं है। अगर देर हो गई तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। तेज चलाइए। आप राम जी के भक्त मालूम पड़ते हैं, राम जी का नाम लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, आप ठीक कहते हैं, राम जी और साईं ही मेरा जीवन है, उन्हीं के दिखाए मार्ग पर चलता हूं। आप साईं को जानते हैं? जरूर जानते होंगे, सब जानते होंगे, शिरडी के मसीहा है। मैं बचपन से ही शिरडी में रहता हूँ, तब से उन्हें जानता हूँ। उन्होंने ही मुझे राम जी की भक्ति का रास्ता दिखाया। सबकी चिंता रहती है उन्हें, उनके भक्त पर संकट आया नहीं कि साईं उपाय लेके पहुंच जाते हैं, वो भी बिना स्वार्थ के। उनके लिए इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, उनके जैसा बन पाना किसी के लिए संभव नहीं। लेकिन उनसे अगर हम इंसानियत सीख ले, निस्वार्थ होना सीख ले, तो भी ये जन्म धन्य हो जाए। ओम साईं राम। अब कितनी दूर है? पहुंची है। श्रद्धा, मेहनत और इच्छा शक्ति अगर एक साथ मिल जाए तो क्या नहीं हो सकता। हनुमान जी ने तो संजीवनी के लिए पूरा पर्वत उठा लिया था, ये तो बस एक परीक्षा है। लेकिन साईं, समय कम है। अशोक को अगर छात्रवृत्ति की परीक्षा देनी है तो उसे सभी विषयों में अभ्यस्त होना पड़ेगा। उसके लिए उससे मुझसे पढ़ाई करनी होगी, जो सरकार कभी नहीं होने देंगे। मान लो ये गहरी भयानक नदी है और इस इंसान को ये नदी पार करनी है, लेकिन इसे तैरना नहीं आता, तो ये नदी को कैसे पार करेगा? बिना नाव या पुलिया के तो ये संभव नहीं है। यही बात यहां भी सच है। वो नाव तुम्हें बनना है सुमति। मैं कैसे? कुछ समझी नहीं। तुम अध्यापिका बनना चाहती हो ना? यूं समझ लो राम जी ने वो मौका तुम्हें दे दिया है। हर रोज तुम कुलकर्णी सरकार के घर से घास काटने के लिए निकलोगी और यहां आकर अध्यापक जी से पढ़ोगी, और फिर वही सब घर जाकर अशोक को पढ़ाओगे। अति उत्तम। लेकिन साई, ऐसा कैसे हो सकता है?
अगर मेरा पूरा समय पाठशाला में चला गया तो मैं जंगल से चारा कैसे लाऊंगी? सुमति, तुम केवल वही करो जो अशोक के लिए जरूरी है, बाकी क्या कैसे करना है ये सही समय पर तुम्हें पता चल जाएगा। तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। घाव घने सहके ही पत्थर ईश्वर है कहलाए, घोर अग्न में सोना तपके निखरे घना सुहाए। दुख की आंधी में मुस्का के जो तू हरी गुन गा, प्रभु जी करे सहाय, प्रभु जी करे सहाय। धर के हृदय में रूप हरि का करते जा हर काम, सच्चे मन से जो भी पुकारे सुनते हैं प्रभु राम। हरि के नाम की महिमा ऐसी पत्थर भी तर जाए, प्रभु जी करे सहाय, प्रभु जी करे सहाय। साईं, आप ये घास क्यों काट रहे हैं? किसी से वादा किया है चंदू? दीजिए, मैं कर देता हूं। नहीं चंदू, करना तो मुझे ही है। साईं, आपसे सीखने को इतना कुछ है कि लगता है उसके लिए यह जन्म पूरा नहीं होगा। अपने भक्तों की मदद करने के लिए आप क्या कुछ नहीं कर जाते? खेत में काम करके थक गए होगे ना, घर जाकर आराम करो। जी सही। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हे भगवान, कहीं मुझे देर तो नहीं हो गई? नहीं बापू गिर जी, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। हाँ, भगवान करे ऐसा ही हो। बाबा, वो बेहोश हो गई है बाबा। धन्यवाद बाबू। मैं तो सिर्फ मालिक की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। मालिक की आज्ञा? आपकी बात सुनकर एक क्षण ऐसा लगा जैसे स्वयं साईं बोल रहे हैं। वो भी जब किसी का काम करते हैं तब कोई श्रेय लेते नहीं, बस कह देते हैं कि मालिक की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। लोगों को अपने गंतव्य तक पहुँचाना मेरा काम है। जो मुझे वो दे दे वही मालिक है। जैसे अभी मुझे नाना साहेब ने आदेश दिया कि आपको यहाँ पहुंचा दूं।
तो मेरे लिए वही मालिक हुए। अभी मेरे घोड़े को चारा और पानी पिलाकर चला जाऊंगा। अच्छा, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। रामगिरी जी, नाना साहब, साईं ने आपके लिए उदी भेजी है। कहीं आने में बहुत देर तो नहीं करती? साईं के होते हुए कभी भी देर नहीं होती। मैं जानता था साईं मेरी मदद जरूर करेंगे। ओम साईं राम। धन्य हो साईं, आपकी छत्र छाया में हर कोई पुण्य का पात्र बन जाता है। और आज दो जिंदगियों को बचाने में मुझे शामिल करके मुझे भी पुण्य अर्जित करने का मौका दे दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओ सबक सबूरी के ही जिसने सिखा उसी की परीक्षा के ये पल में आज आए। बदरा बुराई के ये जितने भी छाए साईं मेरे अच्छाई का जल बरसाए। कष्ट जो अपार साईं हंस के उठाए। मन में साईं के क्या है कौन जान पाए। ओम साईं ओम साईं ओम साईं बच्चों, आज का सबक यहीं खत्म। अब घर जाके तुम सबको ये सबक अभ्यास जरूर करना है क्योंकि परीक्षा में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। ठीक है जी अध्यापक जी। अध्यापक जी, का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हें समझ में तो आ रहा है ना जो मैंने पढ़ाया? जी, और ये सब कुछ मैं अशोक को भी सिखा दूंगी। लेकिन अभ्यास करने के लिए ना उसके पास तख्ती है और ना किताबें। उसकी चिंता मत करो सुमति ताई। कल मैंने बाबा को बताया था कि दादाजी ने अशोक की तख्ती और पुस्तकें फेंक दी है, तो बाबा ने बोला कि वो अशोक के लिए नई किताबें लेकर आएंगे। और मैंने भी घर में जगह सोच के रखी है ताकि हम इनको छुपा सकें और किसी को पता भी ना चले। अशोक पढ़ के वहीं छुपा दिया करेगा और संता पंता को भी कुछ पता नहीं चलेगा। जीते रहो। चलता हूँ अध्यापक जी। जंगल से ताजा चारा लाने का कोई रास्ता निकल आए तो फिर कोई चिंता नहीं। चलो। Thank you.
खुद ही लेकर आ गए। मेरे साई। जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए, ओम साई ओम साई ओम। साई की उदी अब मुझे अचानक से अच्छा लगने लगा है। एक पल पहले ऐसे लग रहा था जैसे मैं अब नहीं बचूंगी, अब मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मुझ में ताकत आ गई हो, मुझ में हिम्मत आ गई है इस मुश्किल से लड़ने की। अब मेरी बेटी की हर मुश्किल दूर हो जाएगी, ये उदी साई ने तुम्हारे लिए खुद भेजी है। समय आ गया है, अब आप लोग सब बाहर इंतजार करिए, चलिए चलिए। शांत लड़का हुआ है, माँ बेटे दोनों तंदुरुस्त हैं। ओ साहिरा, बधाई हो बेटा। जय श्री राम। वाह प्रभु,
भक्त को भगवान की सेवा करते तो देखा है, लेकिन ये कैसा ईश्वर है जो अपने भक्त के बारे में इतना सोचता रहता है, उनके लिए इतना कष्ट उठाता रहता है। पता नहीं कौन से पुण्य किए होंगे जो हमें शिरडी में न सिर्फ जन्म लेने का बल्कि आपके शरण में आने का मौका मिला। साईं सबके लिए इतना कुछ करते हैं, आज तुम्हारे लिए घास लेकर आए। कल इन्होंने एक लोटे से पूरी कक्षा के बच्चों को दूध पिलाया, तात्या ने मुझे बताया। लेकिन साईं, मैं अब तक समझ नहीं पा रहा हूं उस चमत्कार के पीछे क्या कारण है। इतना दूध आप गांव वालों से भी मांग सकते थे, लेकिन आपने एक लोटे से इतना सारा दूध कैसे बना दिया? मानो जैसे कई सारी गायों का दूध उस लोटे में समा गया हो। हमारी सारी गायों ने दूध देना बंद कर दिया है, उनके लिए रोज जंगल से ताजा चारा लाना होगा। तुझे पता था यह आप ही का चमत्कार होगा, क्योंकि गायों का अचानक से दूध देना बंद होना और उसी दिन आपका बच्चा को इतना सारा दूध देना, ये कोई संयोग नहीं हो सकता। साई, आज आपको देखकर मुझे विट्ठल भगवान की याद आ रही है। मेरी आची थी ना, वो हमें विट्ठल जी की कहानियां सुनाया करती थी कि कैसे वो अपने भक्त चौका मेड़ा के गाय चराया करते थे, जना भाई के वस्त्र बुनते थे। आज वो सब याद आ गया। घर तो आज भी विठोबा ही रहे हैं, बस मुझको जरिया बनाया है उन्होंने। किसी की श्रद्धा, किसी का विश्वास कभी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। Stop!